हेलो एवरीवन एंड यू आर वाचिंग कॉलेज टूर। सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज़ बायोटेक्नोलॉजी विद फुल इन्फॉर्मेशन। बट उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर लेटेस्ट अपडेट। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज़ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें बायोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी इंक्लूड होता है। बायोटेक्नोलॉजी को बायोटेक भी कहते हैं। बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड उनके प्रोडक्ट का यूज़ करके न्यू एंड बेटर प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। ये एनिमल एंड प्लांट ब्रीड्स को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। अब बायोटेक्नोलॉजी की ब्रांचेस के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले नंबर पे है ब्लू बायोटेक्नोलॉजी, मरीन एंड एक्वेटिक एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। नंबर टू है ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चरल एप्लीकेशंस। एंड नंबर थ्री पे है रेड बायोटेक्नोलॉजी, मेडिकल एप्लीकेशंस। एंड नंबर फोर पे है व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी, मींस इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। एक्चुअली मेडिकल फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी का यूज न्यू मेडिसिन की सर्च के लिए, प्रोडक्शन करने एंड जेनेटिक टेस्ट करने के लिए किया जाता है। एग्रीकल्चर फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी का यूज क्रॉप्स को जल्दी ग्रो एंड हेल्दी बनाने के लिए किया जाता है। अब बायोटेक्नोलॉजी में कोर्सेज के ऑप्शंस के बारे में जान लेते हैं। आप 10th क्लास पास करके भी बायोटेक्नोलॉजी कोर्स कर सकते हैं। इसके लिए काफी सारे डिप्लोमा कोर्सेज हैं। इसकी ड्यूरेशन 3 ईयर की होती है एंड इसके लिए आपको स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जाम पास करना होगा। अगर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज की बात करें तो अगर आप BSc करना चाहते हैं तो इसकी ड्यूरेशन भी 3 ईयर की होती है, जबकि BTech की ड्यूरेशन 4 ईयर की होती है। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि 12th आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथ से पास करना होगा एंड इसके लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम भी क्लियर करना होगा, जबकि कुछ यूनिवर्सिटीज मेरिट लिस्ट के बेस पे भी एडमिशन दे देती है। अगर आप चाहें तो UG के बाद बायोटेक्नोलॉजी में PG भी कर सकते हैं, जिसमें आप MSc एंड MTech कर सकते हैं एंड इसकी ड्यूरेशन 2 ईयर की होती है। बायोटेक्नोलॉजी में MSc एंड MTech करने के बाद आपको गेट और IIT जैम जैसे एग्जाम एंट्रेंस क्लियर करने होंगे। UG एंड PG के बाद इसमें डॉक्टरेट डिग्री भी आप कर सकते हैं। अब बायोटेक्नोलॉजी के स्पेशलाइजेशन के बारे में जान लेते हैं, जैसे कि जेनेटिक्स, इम्यूनोलॉजी, यूरोलॉजी, फार्मोलॉजी, बायोस्टेटिस्टिक्स, एनिमल हस्बेंड्री, मॉलिकुलर बायोलॉजी। अब बायोटेक्नोलॉजी में करियर ऑप्शंस के बारे में बात करते हैं। तो इसके लिए काफी सारे करियर ऑप्शंस होते हैं, लाइक मेडिकल राइटिंग, हेल्थ केयर सेंटर, एनिमल हस्बेंड्री, जेनेटिक इंजीनियरिंग, रिसर्च लेबोरेटरी, फूड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर सेक्टर, IT कंपनीज और फार्मास्यूटिकल कंपनीज ज्वाइन कर सकते हैं। अगर इस फील्ड में सैलरी की बात की जाए तो PG फ्रेशर्स को 20,000 पर मंथ तक मिल सकती है एंड ये सैलरी आपके कोर्स एंड एक्सपीरियंस पे भी डिपेंड होता है। तो ये थी आज की वीडियो अबाउट बायोटेक्नोलॉजी विद फुल इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।